तो दोस्तों मैं अपने दोस्त के घर पहुंच चुका हूं। आप देख सकते हैं ये वाली बिल्डिंग उसकी है। ये देखिए कबूतर भी उड़ रहे हैं ऊपर, आप देख सकते हैं। यहां मैं पहुंच गया हूं और अब मैं उससे ऊपर जाके मुलाकात करता हूं, तो आपको भी बताऊंगा कि उसने क्या क्या इन्फॉर्मेशन मुझे दी, क्या अपडेट्स दी, क्या है। चलिए उनसे बात करके ही पता चलेगा। ये देखिए यहाँ पे भी उनके कुछ कबूतर बैठे हुए हैं, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए शानदार हाई फ्लायर बैठे हुए हैं ये। तो बिना देर करते हुए चलिए उनके उनसे मिला जाए और बातचीत की जाए। तो दोस्तों यहाँ पे जाते समय मुझे कुछ लोग मिले, इनका नाम है सियरो भाई। और कैसे हैं, हाथ मिलाओ। बढ़िया। और यार बढ़िया। तो ये दोनों से मुलाकात हो गई यार और मैं अब ऊपर जा रहा हूँ। यहाँ से जाने का रास्ता ये देखिए। और काफी शानदार लग रहा है कि किसी के घर आके इस तरह की ब्लॉगिंग करने में मुझे काफी ज्यादा मजा आता है। ये देखिए यहाँ पे प्लास्टिक वगैरह के इंतजाम, यहाँ से वेंटिलेशन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कबूतरों को खाना रखा हुआ है। तो फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कबूतर खाना खा रहे हैं। और आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा देख के। तो दोस्तों इंतज़ार ख़त्म हुआ, हम यहाँ फाइनली पहुँच गए हैं। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे इनका कितना अच्छा सेटअप बना हुआ कबूतरों का। और ये देखिए यहाँ पे कुछ फैंसी कबूतर, कुछ हाई फ्लायर है, ये बहुत ही अच्छा ब्रीड रखे हुए हैं, हर तरीके का ब्रीड रखे हुए। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुछ कबूतर खाना खा रहे हैं, यहाँ पे धूप के मज़े ले रहे हैं और कुछ कबूतर उड़ रहे हैं ऊपर। और ये देखिए दोस्तों कितना शानदार एक सेंटिनेट का कबूतर है, आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। होप आपको ये सब वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो चलिए बिना देर करते हुए कुछ लॉफ्ट ब्रीडर से बात करते हैं। तो दोस्तों चलिए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि कबूतर ये किस तरीके से रखते हैं, क्या है क्या नहीं है। चलिए अब इनसे बात करके ही पता चलेगा। तो कबूतर रखते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो बिना देर करते हुए चलिए इनसे बात करते हैं। हेलो, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माई चैनल। आप कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूवर्स को दीजिए कि किस तरीके से कबूतर आप रखते हैं, क्या है कैसे है। चलिए, तो ये देखने में तो बहुत छोटे हैं लेकिन देखिए कितने शानदार शानदार कबूतर रखे हुए हैं। ये मेरा जॉइंट हंगेरियन मेल। ये देखिए ये कुछ बता रहे हैं, ये कबूतर रखे हुए हैं जॉइंट हंगेरियन रखे हुए हैं, इसको हंगेरियन बोलते हैं। हाँ। अच्छा, तो ये रहा इसका लॉफ्ट, ये है, ये फीमेल अंडे पर बैठी है। अच्छा, ये अंडे दी हुई है। हाँ। अच्छा, तो ये साल में कितने बार अंडे करती है? ये 3 से 4 बार। 3 से 4 बार अंडे करती है, क्यों? कितना मतलब 3 से 4? ये बड़ी ब्रीड है इस वजह से? हाँ, क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा मतलब हैवी होती है साइज में और बहुत रेयर होती है। अच्छा, इसी वजह से। और ये मेरा लाहौरी सिराजी फीमेल जो की अंडे पर बैठी है। अच्छा अच्छा, ये लाहौरी है आपकी? हाँ। अरे वाह, ये तो काफी शानदार लग रही है। अच्छा, इसके बारे में कुछ बताइए, ये कितने साल में अंडे बच्चा करती है? ये मतलब नॉर्मल जैसे सेंटिनेट मुखी होते हैं उस तरीके की ये ब्रीडिंग करती है। अच्छा, मतलब नॉर्मल मतलब 8 से 10 बार करती है। हाँ। अच्छा, ये आप देखिए ये बहुत शानदार पाउडर लग रहा है। ये पाउडर है और इसका एक बेबी है, बहुत छोटा सा 1 डे का। अच्छा, 1 डे का बेबी है ये। ये हाँ। भी ब्रीडिंग वैसे ही नॉर्मल करता है। हाँ। 8 से 9 बार। ये 8 से 9 बार, 5 से 6 बार कर लेता है। अच्छा, 5 से 6 बार करता है ये। और ये कुछ बच्चे निकले हाई फ्लायर के। अच्छा, ये हाई फ्लायर के बच्चे निकले हुए। अरे वाह, बहुत शानदार है। क्या आप इसे थोड़ा सा हाथ में लेके दिखा सकते हैं? जरूर। ये जो बेबी है ये 10 डे का है। अच्छा, ये 10 डे का बेबी है दोस्तों। ये देखिए ये कुछ दिनों में आसमान छुएगा। ये बहुत ही शानदार है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। अच्छा, इसको कल दुम्मा कहते हैं। इसकी पूंछ होती है ये पूरी ब्लैक होगी। अच्छा, ब्लैक होगी। तो आप कितने सालों से कबूतर रखे हुए हैं? ज्यादा नहीं, 2 साल हुए। 2 साल से आप रखे हुए, लेकिन नॉलेज से तो लग रहा है आप बहुत दिनों से रखे हुए हैं। आपको काफी ज्यादा नॉलेज, उम्र तो आपकी काफी छोटी है लेकिन नॉलेज आपको काफी ज्यादा है। और ये देखिए ये है मेरा हाई फ्लायर चिक। ये हाई फ्लायर चिक्स है, देखिए दोस्तों ये हाई फ्लायर, इस क्या कहते हैं इसको, कलसीरा है ये। अच्छा, कलसीरा है, थोड़ा तेज बोलिए प्लीज, व्यूअर को सुनाई नहीं दे रहा होगा। ये कलसीरा है, देख सकते हैं आप। ये अभी
16 डेज का है ये। अच्छा, ये 16 डेज का है। देखिए कल सीरा बता रहे हैं, ये भी आसमान को छुएगा कुछ दिन बाद। देखिए कितना शानदार लग रहा है दोस्तों, बहुत ही प्यारा लग रहा है। चले इसको इसके लॉफ्ट में डाल देता हूँ मैं। यहाँ पे डाल दूँ ना? नहीं, नीचे में था। अच्छा नीचे में था, अच्छा नीचे में डाल दीजिए इसे। हाँ देखिए डाल दिया नीचे में। और कुछ अपडेट दीजिए अपने लॉफ्ट के बारे में। और ये रहा मेरा लिली डी, बहुत पुराना मेल है ये। अच्छा ये आपका बहुत पुराना मेल है। हाँ। अच्छा, और ये चेकर्स में पाव मोच में फीमेल है। अच्छा ये चेकर्स कबूतर इसको बोलते हैं, पाव मोच में। हाँ। अच्छा तो चलिए अब कुछ बाहर के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दीजिए आप मुझे। ये देखिए ये हाउस हंगेरियन है। अच्छा ये हाउस हंगेरियन। अच्छा इसको खाने में क्या देते हैं आप? चने और सरसों और मिक्स। मिक्स में क्या क्या दे सकते हैं? मतलब गेहूँ, जितने भी दाने होते हैं वो सब मिक्स देते हैं। अच्छा इसके तो खर्चे बहुत ज्यादा आते होंगे। हाँ आते तो हैं, लेकिन रखना पड़ता है। अच्छा मतलब शौक के आगे खर्चा आप नहीं देखते हैं? नहीं, गुल्लक भी फोड़ देता हूँ कभी कभी। अच्छा तो ये मेडिसिन भी आप देते हैं क्या? हाँ ये पानी में मिला करके थोड़ी सी। अच्छा इससे क्या होता है? ये मिनरल सिरप लग रहा है मेरे को। अच्छा बहुत अच्छा है ये। ये हाई फ्लायर फीमेल है। अच्छा ये हाई फ्लायर फीमेल है आपकी। इसको अंदर क्यों रखे थे आप? इसका मैं पेयर लगा रहा था, ये बहुत साइज में छोटी है। अच्छा तो पेयर लगाने के लिए इस तरीके से बॉक्स में दोनों को डाल दो तो पेयर लग जाते हैं। ये फीमेल है, देखिए साइज देखिए, बहुत छोटी है ये। ये आसमान में जाती है तो मतलब 2-3 घंटे आराम से उड़ती है। अच्छा 2-3 घंटे उड़ने वाली कबूतर है ये। अरे ये तो बहुत छोटी है, 2-3 घंटे उड़ती है। बहुत शानदार दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। अच्छा दोस्तों ये देखिए ललसीरा में ये कबूतर तो पंजाबी लग रहा है। आप ये पंजाब से लाया गया है? अच्छा पंजाब से लेके आए हैं आप। ये तो काफी कॉस्टली भी होगा। हाँ ये कॉस्टली था, पर मेरे घर के मेरे चाचा गए थे तो उनसे मैंने मंगवाया था। अच्छा ये बहुत ही शानदार दोस्तों लग रहा है। देखिए ये पूरा शॉक करा रहे हैं इसका। देखिए पंख का शॉक कीजिए, बहुत ही हल्के लाइट वेट के होते हैं। ये देखिए दोस्तों बहुत लाइट वेट में होते हैं। 200 ग्राम के होते हैं। अच्छा 100 to 200 ग्राम। अच्छा 100 to 200 ग्राम के होते हैं। ये बहुत ही हल्के होते हैं पर ये आसमान को छूते हैं। बहुत ही शानदार कबूतर है दोस्तों। लीजिए इसको रख दीजिए आप। दोस्तों ये कुछ और ब्रीड दिखाने के लिए बोल रहे हैं तो चलिए चलते हैं इनके पीछे पीछे। फिर से एक बार बताइए क्या है ये? ये मेरा बुखारा है। अच्छा ये बुखारा नस्ल का है। हाँ, टेम्परेटर इसको बोलते हैं। अच्छा ये सेंटिनेट है। इसकी फीमेल सेल हो गई थी तो ये बस मेल बचा है। अच्छा इसकी फीमेल आपने सेल कर दी। हाँ। अच्छा बस मेल बचा। और वो रहा बुखारा, फीमेल है वो, उसका मेल। ये कौन सा हंगेरियन है? चीला पर्पन हंगेरियन। अच्छा चीला पर्पन हंगेरियन। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, देखिए मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, इसे चीला हंगेरियन पर्पन बोलते हैं। और ये दोनों का पेयर है, देखिए कितने शानदार लग रहे हैं। तो दोस्तों ये कबूतर सेल भी करते हैं तो चलिए इनसे बात करते हैं कि ये कौन कौन से कबूतर सेल पे लगाए हुए हैं। तो आप बताइए आपके कौन कौन से कबूतर सेल पे हैं? अभी सेल पे बस मेरे कबूतर सेंटिनेंट मेल है और बुखारा का एक पेयर है और कुछ पाव मोज में है। अच्छा तो चलिए थोड़ा दिखा दीजिए आप मुझे कौन कौन से, मैं पास से दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए ये सेंटिनेंट मेल है। अच्छा देख सकते हैं दोस्तों ये सेंटिनेट मेल जो है ये सेल पे, अगर आपको लेना होगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा। और ये मद्रास दोस्तों ये हाई फ्लायर देख सकते हैं, मद्रासी में है, ये भी सेल पे है। ये भी देखिए कितना शानदार है, ये कम से कम 3 से 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे उड़ता है आसमान पे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हुमर है, बहुत ही शानदार हुमर है। अब वाइट पेयर है और ये दोनों का बहुत अच्छा शानदार जोड़ा लग रहा है। ये भी सेल पे है, अगर आपको लेना होगा तो आप कांटेक्ट कीजिएगा जरूर से। और दोस्तों आप देख सकते हैं ये वाला जो टेम्परेटर है, बुखारा इसे बोलते हैं, फीमेल है ये फीमेल है और मेल वो बैठा ऊपर, मेल ऊपर आप देख सकते हैं व्हाइट कलर का बैठा हुआ ये वाला। ये दोनों सेल पे है, अगर आपको चाहिए होगा तो आप कॉन्टेक्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सेल भी करते हैं और इनके कबूतर काफ़ी अच्छे रहते हैं, काफ़ी हेल्दी रहते हैं। आप जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर जरूर डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों तो चलिए इनसे थोड़ा देर और बात करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये पाव मोच में है, ये बहुत ही शानदार कबूतर है। देखिए ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दोनों पेयर है, ये भी सेल पे है। अगर चाहिए होगा तो आप कॉन्टेक्ट जरूर कीजिएगा, बहुत ही शानदार, बहुत ही माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं हाथ में कबूतर लिए हुए हैं,
ये जंगली कबूतर नहीं है क्योंकि इसका बस कलर जंगली है और ये देखिए व्हाइट आंख का है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये व्हाइट आंख का है, बहुत ही शानदार कबूतर है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और जो गरम गिरिबाज होता है ये उसी का बच्चा है, गरम गिरिबाज कबूतर। अच्छा, ये गरम गिरिबाज कबूतर जो एकदम आसमान पे रोलिंग करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से उड़ते हैं, उसी का बच्चा है। अगर आपको चाहिए होगा तो आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा। इसी का पेयर आप देख सकते हैं चेकर्स में है हल्का, ये देखिए ये भी बहुत प्यारा बहुत शानदार है, देखिए कितना शानदार है ये। ये 22-22 दिन के दोनों बच्चे हैं। कितने दिन के हैं? 22-22 दिन के। अच्छा, ये तो ये 22-22 दिन के बच्चे थे दोनों। अगर ये भी चाहिए होगे तो आप जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत रेयर पिजन होते हैं स्काई रोलर, ये मिलते नहीं है जल्दी। अगर आपको इस तरीके के मजीद कबूतर चाहिए, अच्छे अच्छे कबूतर चाहिए, तो आप इन ब्रीडर का नंबर नोट कर लीजिएगा, मैं लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी और स्क्रीन पे भी, आप वहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप उनको कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, वो आपको एकदम हेल्दी और एकदम जेन्युइन रेट में आपको दे देंगे ये कबूतर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए उनसे बात करते हैं कि इन महीने के कितने खर्चे आते हैं, क्या है कैसे है, तो वो पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे। तो चलिए इनसे बात करते हैं, बताएंगे व्यूवर्स को कि महीने के कितने खर्चे आते हैं, क्या मेंटेनेंस के खर्चे आते हैं, क्या खाने पीने के खर्चे आते हैं इसके। मैं इनको जब से पा रहा हूँ तब से मेरे लगभग 3500 से 4000 रुपए मेरे महीना इनके खाने पीने में खर्च हो जाते हैं। अच्छा, मतलब 3500 से 4000 तक खाने पीने के होते हैं, और फिर मेडिसिन वगैरह की भी लगते होंगे। हाँ, मेडिसिन जैसे भी पाउडर का बेबी निकला, इसको मच्छर काट देते हैं, तो इसी वजह से मैंने इसके अंदर ये भी लगाए हैं, ऑल आउट वगैरह सब लगा के। इसके अलग खर्चे, इलेक्ट्रिसिटी के अलग खर्चे, लाइट वगैरह लगाना पड़ता है आपको, और जैसे कि इनकी साफ सफाई करवानी है, जैसे ये कूट है, हाँ, से निकलवा देंगे, दोबारा चेंज होगा तो इसमें भी कुछ आ जाता है, लगभग 1000 to 2000 इसमें भी खर्चा। अच्छा, 1000 से 2000 पूरे साफ सफाई में आपके आ जाते हैं। और मेडिसिन के कितने लग जाते होंगे कम से कम? मेडिसिन तो टेम्पररी मतलब रखना पड़ता है खरीद के, उसमें मतलब पहले से ही आपको 2500 से 3000 की मेडिसिन आपको खरीद के रखनी पड़ती है। अच्छा, पहले से एक बार बल्क में आप ले लेते हैं 2500 से 3000 तक की दवा पूरी, टोटल मंथ की होती है। अच्छा, तो दोस्तों मैं पूरा इन्फॉर्मेशन इनसे ले लिया हूँ किस तरीके से कबूतर को ये रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको खरीदना होगा कबूतर तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगा उनका, आप वहाँ कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा और वो आपको कबूतर डिलीवर भी करते हैं ऑल ओवर इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज दोस्तों।